हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोटो एंड वीडियो हाइड करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे फ़ोटो एंड वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको किसी को तो नहीं करने होते, किसी को आपको छुपाने हो या हाइड करने हो तो कैसे कर सकते हैं। आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर कोई भी फाइल कैसे हाइड कर सकते हैं। वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फोन के अंदर अपनी फोटो एंड वीडियो को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फोन के अंदर अपनी एप्लीकेशन या फोटो एंड वीडियो हाइड करने के लिए आपको कोई भी आपको फीचर देखने को नहीं मिलता। इसमें आपको एक एप्लीकेशन पहले से ही मिलता है आपके फोन के अंदर, फाइल। तो सिंपली आपको फाइल वाला जो एप्लीकेशन मिलता है, सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है, इसे कंटिन्यू करें। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं, नीचे आ जाएंगे। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव फोल्डर, सेव फोल्डर पे आपको क्लिक कर लेना है। इसका आप कोई भी पैटर्न पिन सेट कर सकते हैं, तो हम पिन सेट कर देते हैं इसका 1 2 3 4, नेक्स्ट करेंगे। इसे आपको एक बार कन्फर्म करना है, कन्फर्म करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको गॉट इट पे क्लिक कर देना है। गॉट इट के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब आपको अपनी फाइल में आ जाना है जो आपको फाइल हाइड करनी है। जैसे हम अपनी इमेज हाइड करने वाले हैं तो इमेज वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे इमेज मिल जाते हैं। जो वो इमेज आपको हाइड करनी है उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है राइट साइड में। सिंपली आपको इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है मूव टू सेव फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे। आपका पिन वेरीफाई करेंगे जो भी आपने सेट किया था, इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके फोटो यहाँ से हाइड हो जाते हैं। जो फोटो आपने हाइड किए थे वो आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके बाद आपने जो फोटो हाइड किए वो आपके अब यहाँ आ जाते हैं, सेव फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से अपना पिन वेरीफाई करेंगे जो भी आपने डाला था। उसके बाद आपके फोटो एंड वीडियो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने फोन के अंदर अपने फोटो एंड वीडियो को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।